स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको हरियाणा करंट अफेयर 2018-19 कराऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा में एग्जाम आया है HSSC क्लर्क का, तो उससे संबंधित ये लेक्चर रहेगा। मैं आपको 2018-19 के लिए हरियाणा में जो मुख्य मुख्य करंट अफेयर के क्वेश्चन आ सकते हैं या क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कराने का प्रयास करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2019 का बजट, यानी हरियाणा में 2019 में जो हरियाणा का बजट बना था उससे संबंधित क्वेश्चन। तो 2019-20 के लिए, 2019-20 के लिए हरियाणा का बजट पेश हुआ था, और ये बजट जो है कैप्टन अभिमन्यु ने पेश किया था। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा के वित्त मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु, उन्होंने पांचवां यानी अपने कार्यकाल का पांचवां बजट पेश किया है, और इस सरकार का ये उनका अंतिम बजट था। तो कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने अपना पांचवां बजट था और अंतिम बजट पेश किया। ये बजट जो है हरियाणा में 131,169 यानी 131,169 करोड़ रुपए का कुल बजट पेश किया था हरियाणा का। जो कुल बजट था वो 131,169 करोड़ रुपए का था, जो पिछली बार का बजट था 115,198 करोड़, यानी पिछली बार के बजट से ये थोड़ा ज्यादा है, यानी लगभग 15,000 करोड़ की बढ़ोतरी इसमें हुई है। तो वर्तमान जो बजट है वो 131,169 करोड़ का बजट पेश हुआ था, जो हरियाणा के लिए 2019-20 के लिए बनाया गया था। ये बजट जो है पिछली बार से अगर देखा जाए, पिछली बार की मद से ये लगभग 14.73% अधिक है, यानी लगभग 14.73% ये अधिक बजट बना है हरियाणा के लिए। तो हरियाणा के बजट में जो आम घोषणाएं की गई उनमें सबसे बड़ी घोषणा थी एक किसान पेंशन योजना। हरियाणा के बजट में आई थी किसान पेंशन योजना। ये योजना जो है हरियाणा में शुरू की गई किसानों को पेंशन देने के लिए। ये योजना जो है केंद्र की किसान सम्मान निधि के समान ही हरियाणा में लॉन्च की गई थी। इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया था सरकार ने, जिसमें किसानों को पेंशन दी जानी थी। तो ये योजना जो है बजट की सबसे नई घोषणा थी जो सरकार ने की है। इसके अलावा बजट में सबसे ज्यादा जो अलॉटमेंट थी या किस विभाग को सबसे ज्यादा अलॉटमेंट थी वो था बिजली विभाग, यानी इलेक्ट्रिसिटी विभाग जो है उसके लिए सबसे ज्यादा अलॉटमेंट थी। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए 12,988 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए थे जो सबसे ज्यादा, यानी अगर किसी विभाग के लिए सबसे ज्यादा जो धन अलॉट किया गया था वो था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी बिजली विभाग। और दूसरे स्थान पे अगर देखा जाए शिक्षा, यानी दूसरे स्थान पर शिक्षा आती है जिस पर सबसे ज्यादा खर्च किया गया था, इस पर 12,307 करोड़, यानी एजुकेशन जो है सेकंड प्लेस पे थी जिस पर खर्च किया जाएगा लगभग 12,307 करोड़ रुपए। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा खर्च होने वाला था और सेकंड नंबर पे था शिक्षा। इसके अलावा सबसे कम देखा जाए जो अलॉटमेंट कम खर्च की गई है जिसमें, वो आता है खाद्य और औषध, यानी खाद्य और औषध जो विभाग है उस पर सबसे कम खर्च किया गया था लगभग 45 करोड़ रुपए, यानी ये छोटा खर्च है। सबसे कम खर्च अगर देखा जाए किसी मद पर अगर सबसे कम खर्च किया गया है तो वो था खाद्य एवं औषध, ये सबसे कम राशि थी जो बजट में खर्च की गई थी। इसके अलावा बहुत से और थे, जैसे कृषि कल्याण के लिए 3,834 करोड़ रुपए कृषि कल्याण के लिए थे, कृषि व संबंध कल्याण के लिए आते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए
अगर हम स्वास्थ्य के लिए देखें, स्वास्थ्य के लिए जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इसमें दो चीजें आती हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 3126 करोड़ रुपए, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर 3126 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके साथ जो आता है लोक निर्माण, यानी पीडब्ल्यूडी आता है, लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में आता है, तो इस पर 3626 करोड़ रुपए का खर्च अलॉट किया गया था सरकार द्वारा। सरकार ने बजट में कुछ जो घोषणाएं की थी वो कुछ कुछ मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आता है कि सामाजिक सुरक्षा किसानों को देने के लिए 1500 करोड़ की अलॉटमेंट थी, वो भी थी 1500 करोड़ रुपए जो है किसानों को, अगर देखा जाए उनको सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का अर्थ होता है पेंशन, यानी किसानों को पेंशन योजना से जोड़ने के लिए 1500 करोड़ रुपए की अलॉटमेंट सरकार द्वारा मुख्य रूप से की गई थी। इसके साथ गन्ने के लिए, गन्ने की जो भुगतान राशि है उसको बढ़ाया गया, उसमें सब्सिडी दी गई सरकार द्वारा, ये भी है। किसानों को 16 रुपए प्रति क्विंटल और सब्सिडी दी जाएगी गन्ने पर। इसके अलावा बायोगैस, यानी बायोगैस और अन्य संबंध ऊर्जा से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लिए 75% सब्सिडी जो है सरकार द्वारा अलॉट की गई है, यानी जैव ऊर्जा से संबंधित या बायोगैस से संबंधित कोई भी योजना है उसको 75% सब्सिडी सरकार द्वारा अलॉट की गई है। साथ में सरकार ने 9 से लेकर 12 क्लास तक या 12वीं क्लास तक जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, या 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा की छात्राएं, यानी लड़कियों के लिए निशुल्क परिवहन सेवा, यानी निशुल्क परिवहन सेवा की योजना स्टार्ट की है, यानी 9वीं क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक की लड़कियों के लिए निशुल्क परिवहन सुविधा का शुरुआत की है। फिर आता है केएमपी, यानी कुंडली मानेसर पलवल जो हाईवे है दिल्ली को बाईपास करने के लिए बनाया गया है, उससे जुड़ी हुई योजना में आता है पंचग्राम। पंचग्राम एक 5 शहरों का क्लस्टर बनेगा, यानी 5 सिटीज के लिए 5 शहरों का एक क्लस्टर बनेगा जिसे पंचग्राम कहा गया है, जो कुंडली मानेसर के साथ साथ बनेगा, यानी हाईवे के साथ पंचग्राम प्राधिकरण बनाया जाएगा, 5 शहरों को विकसित किया जाएगा। ये नए शहर जो है आधुनिक तकनीक पर स्मार्ट शहर होंगे जिनमें आधुनिक सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी, तो इसको पंचग्राम योजना के तहत देखा जा रहा है। इसके लिए पंचग्राम प्राधिकरण का निर्माण किया गया है, यानी एक अथॉरिटी का निर्माण किया गया है जिसे प्राधिकरण कह देते हैं, पंचग्राम अथॉरिटी जो इस कार्य को देखेगी। नेक्स्ट आता है हरियाणा में 22 आईटीआई, यानी हरियाणा के मुख्य रूप से 22 आईटीआई ऐसे हैं जिनमें लड़कियों को ट्रेनिंग देने के लिए, यानी दोपहिया वाहन हो या मोटरसाइकिल मोटरबाइक हो, उनके लिए लड़कियों को दोपहिया वाहन चलाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी दोपहिया वाहन चलाने के लिए, और ये ट्रेनिंग जो है सरकार के साथ हीरो मोटरकॉर्प, यानी प्राइवेट कंपनी आती है हीरो मोटोकॉर्प, उसने सरकार के साथ MOU साइन किया है, यानी कंपनी ने सरकार की 22 आईटीआई के साथ एग्रीमेंट किया है जिसमें लड़कियों को दोपहिया वाहन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी लगभग हरियाणा के 22 आईटीआई में। नेक्स्ट आता है पंचकुला में, हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में गुरुग्राम की तरह, यानी हरियाणा का दूसरा होगा ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क, यानी सॉफ्टवेयर में अगर हम देखें गुरुग्राम सबसे पहले स्थान पर आता है, इसके बाद पंचकुला को और बेहतर कराने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल सेंटर की स्थापना की जाएगी, यानी हरियाणा में पंचकुला में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल सेंटर बनाया जाएगा। ये जो है आईटी सर्विसेज के लिए, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित होगा, इसको और बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा पंचकुला में। नेक्स्ट आता है हरियाणा में पशु संजीवनी सेवा, यानी हरियाणा में पशुओं की बेहतरी के लिए पशु संजीवनी सेवा की शुरुआत की है सरकार ने।
ये योजना जो है हरियाणा के तीन जिले हैं जिनमें शुरू की गई है। पहला आता है जींद में, जींद जिले में, दूसरा आएगा यमुनानगर में, यमुनानगर, और तीसरा जिला आता है मेवात। यानी हरियाणा के तीन जिलों में पशु संजीवनी सेवा की शुरुआत की गई है सरकार द्वारा। ये पशुओं की बेहतरी के लिए, पशु कल्याण के लिए सरकार द्वारा तीन जिलों में शुरू की गई है। जिले आएंगे जींद, यमुनानगर और मेवात। नेक्स्ट आता है पशुओं का ज्ञान, यानी हर पशु की संबंधित जानकारी जो है अब इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट में होगी। सरकार ने अब जो है पशुओं की देखरेख, उनके कल्याण के लिए इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट जारी करने शुरू कर दिए हैं, जिससे पशुओं की बीमारी का, उनके स्वास्थ्य का रिकॉर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट में रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है राई में, हरियाणा में सोनीपत में आता है राई। राई सोनीपत में सरकार जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी खेल विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास कर रही है। तो खेल विश्वविद्यालय जो है हरियाणा के राई में बनाया जाएगा। राई में बनेगा हरियाणा का खेल विश्वविद्यालय, जो हरियाणा में खेलों से स्पोर्ट्स को और बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हरियाणा में आदर्श विधायक योजना के तहत। आदर्श विधायक योजना के तहत सरकार जो है, या आदर्श ग्राम योजना कहते हैं इसे, यानी गांवों के विकास के लिए एक विधायक जो है एक गांव को गोद लेता है, तो उसके लिए सरकार ने उनके लिए 2 करोड़ की राशि जो है स्वीकार की है। यानी एक विधायक जो है 2 करोड़ से गांवों के लिए विकास करेगा, आदर्श ग्राम बनाएगा वहां पर। तो सरकार जो है अब सोच रही है कि इनके लिए 2 करोड़ की राशि जो है मंजूर की जाएगी। नेक्स्ट आता है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में सरकार द्वारा फूलों की मंडी, यानी फ्लावर के लिए फूलों की मंडी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। तो गुरुग्राम में एक नई फूलों की मंडी जो है स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट आता है कुंडली। कुंडली सोनीपत में आएगा। यहां पर मसाला मंडी, यानी मसालों के लिए मसाला मंडी की स्थापना की जाएगी सोनीपत के कुंडली में। साथ में 3 नए, यानी सरकार ने 3 नए चालक, यानी ड्राइवरों के लिए चालक एवं प्रशिक्षण, चालकों के प्रशिक्षण के लिए आते हैं चालक एवं प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान। यानी हरियाणा में 3 नए संस्थान खोले जाएंगे। ये संस्थान जो है 3 नए हैं, ये संस्थान आएंगे। पहला आएगा फरीदाबाद में पहला होगा, दूसरा आएगा जींद में, और तीसरा आएगा सोनीपत में। यानी चालकों के प्रशिक्षण के लिए फरीदाबाद, जींद और सोनीपत में 3 नए प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जो है हरियाणा में स्थापित किए जाएंगे। फिर आता है पंचकुला में। पहले से ही सरकार जो है यहां पर राज्य पुरातात्विक, पंचकुला में राज्य पुरातात्विक संग्रहालय बना रही है। हरियाणा में पंचकुला में बनेगा संग्रहालय जो पुरातत्व को दिखाएगा। यानी पंचकुला में राज्य पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ये पुरातात्विक संग्रहालय जो है हरियाणा में ऐतिहासिक संग्रहालय होगा, जिसमें इतिहास से जुड़ी हुई चीजों को यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट आता है गुरुग्राम। गुरुग्राम और पंचकुला में, गुरुग्राम और पंचकुला में हरियाणा में 2 नए, यानी रियल इस्टेट के लिए यहां पर 2 नए रेगुलेटरी बनाए गए हैं। यानी हरियाणा और हरियाणा के पंचकुला और गुरुग्राम में 2 रियल इस्टेट रेगुलेटरी का निर्माण किया गया है, क्योंकि यहां पर रियल स्टेट में काफी ज्यादा काम होता है, तो उसकी देखरेख के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है, रेगुलेटरी बनाया गया है जो रियल स्टेट को देखेगा। यानी यहां पर रियल स्टेट रेगुलेटरी के विभाग कार्य करेगा, जो रियल स्टेट की निगरानी करेगा। नेक्स्ट आता है हरियाणा में फूड सर्टिफिकेशन, यानी खाने की, फूड की क्वालिटी के लिए। यानी हरियाणा में फूड फोर्टिफिकेशन के नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई है। ये स्कीम जो है कुपोषण से लड़ने के लिए,
यानी भुखमरी से कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार द्वारा फूड फोर्टिफिकेशन नाम से चलाई गई है। इसमें बच्चों में होने वाले कुपोषण को कम करने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन या फोर्टिफिकेशन का शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आता है हरियाणा में किसानों के विकास के लिए, यानी फार्मर के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए एक प्राधिकरण का निर्माण किया गया है। ये प्राधिकरण जो है किसान विकास प्राधिकरण के नाम से कार्य करेगा, यानी ऐसी अथॉरिटी का निर्माण किया गया है जो किसानों की भलाई, किसानों के कल्याण की सभी योजनाओं को देखेगी। तो हरियाणा में एक प्राधिकरण आएगा, किसान विकास प्राधिकरण, जो किसानों से कृषि से जुड़े हुए मुद्दों को देखेगा। नेक्स्ट आता है तालाबों के लिए, यानी हरियाणा में तालाब पौंड बहुत ज्यादा है, जोहड़ बहुत ज्यादा है, तो तालाबों के पुनर्निर्माण के लिए, तालाबों के पुनर्निर्माण के लिए एक नई अथॉरिटी बनाई गई है जिसे कहते हैं पौंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा। यानी ये अथॉरिटी जो है हरियाणा में कार्य करेगी। इसका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य आएगा तालाबों का पुनर्निर्माण। तो तालाबों के पुनर्निर्माण के लिए हरियाणा में पौंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा बनाई गई है। इसका उद्देश्य होगा तालाबों को, जोहड़ों को पुनर्निर्माण करना, उनका खुदाई करना, उनको बड़ा करना, ताकि अधिक से अधिक जल जो है उनमें संग्रहित हो और उनमें साफ सफाई रखी जाए, पोल्यूशन उनमें ना हो। तो उसके लिए पौंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट आता है ई भूमि, यानी ई भूमि पोर्टल आता है। हरियाणा सरकार ने एक नया पोर्टल का निर्माण किया जिसका नाम रखा है ई भूमि। तो ई भूमि पोर्टल जो है ये हरियाणा में उन किसानों के लिए बनाया गया है जो किसान स्वेच्छा से अपनी मर्जी से जमीन सरकार को देना चाहते हैं, उनके लिए ई भूमि पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के तहत किसान अपनी मर्जी से अपनी जमीन का सौदा जो है सरकार से कर सकते हैं, सरकार की योजनाओं के लिए वो अपनी भूमि को दे सकते हैं। इसके लिए ई भूमि वेब पोर्टल का निर्माण सरकार ने किया है। नेक्स्ट आता है सरल पोर्टल। सरल पोर्टल जो है ये हरियाणा सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी पोर्टल है। इसके तहत हरियाणा में जितनी भी सेवाएं, यानी सरकारी विभागों की अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है। ये पोर्टल जो है हरियाणा में कल्याण के लिए विकास का सबसे मुख्य हथियार है, जिसके तहत ऑनलाइन सेवाएं जो है सरकार प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है ई स्टैंप। ई स्टैंप योजना जो है सरकार की ऑनलाइन स्टैंप, यानी ऑनलाइन स्टैंप प्रणाली को शुरू करने की सरकार की योजना है। अब हरियाणा सरकार जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप प्रदान करती है जो ऑनलाइन रिलीज होते हैं। नेक्स्ट आता है हरियाणा का पहला मैकेनाइज्ड, यानी मैकेनाइज्ड जो है हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट आएगा। हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट है जो मैकेनाइज्ड है, यानी ये मैकेनाइज्ड टेक्नोलॉजी से चलने वाला पहला बायोगैस प्लांट है जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में, यानी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। तो ये हरियाणा का पहला जो मैकेनाइज्ड टेक्नोलॉजी से चलने वाला है। नेक्स्ट आता है हरियाणा प्रदेश में। हरियाणा में मृदा एवं जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है। ये प्रयोगशाला जो है मृदा और जल की क्वालिटी को चेक करेगी। ये प्रयोगशाला जो है हरियाणा में स्थापित की गई है बाढ़ड़ा में, यानी हरियाणा में बाढ़ड़ा में चरखी दादरी में ये स्थापित की जाएगी। तो हरियाणा में मृदा एवं जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा बाढ़ड़ा चरखी दादरी में।